Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Asad Yaqub aur Shumaila Najam. Aur janab, aaj hum log bada hi ek important cheez jo hai wo discuss karne ja rahe hain. Shumaila ko maine is podcast mein isliye bulaya ki Shumaila bahut achhe questions karti hai. Shumaila ko baithe baithe question utarte hain. Ye to pucha hi nahi, ye bhi puch lete hain. Aur usse aap logon ko fayda hota hai. Ji Shumaila, aaj hum kya discuss karne ja rahe hain? Acha Asad, aaj hum discuss karne wa rahe hain ki jo cheez badi common ho rahi hai IELTS speaking mein. एक है फिजिकल, आपकी IELTS स्पीकिंग का टेस्ट होता है, और दूसरा होता है रिमोट, जिसमें आप कहते हैं स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन. ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे. और मैं ये चाह रही हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं, नहीं ये मैं अभी आपसे ना बुलवाती हूँ इसी बारे में. बड़े देखे भोले बादशाह हमारे साथ अच्छा, बैठे हैं. अच्छा, असद याकूब का अच्छा नाम है भोले बादशाह, और भोले बादशाह से ना उगलवाना पड़ता अच्छा, है ये स्पीकिंग का टेस्ट इस पे कंप्यूटर पे भी हो जाता है? हाँ जी. अच्छा, मुझे नहीं पता था. अच्छा जी. हाँ जी, चले अभी हमें बताएं इसके बारे में. ठीक है, देखिए मेरी बात सुने. आज का जो स्पीकिंग टेस्ट है ना, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, चीजें अपने कंट्रोल में कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, पहले लोकल एग्जामिनर राइटिंग चेक करते और उसमें इश्यूज आते थे. ठीक है, इन्होंने कहा कि इसको अपने हाथ में लो. मुझे हंसी आ रही है जैसे अब नहीं आते. हाँ, अभी आते हैं. अभी भी जो इनके एग्जामिनर हैं, एक एग्जामिनर 5 बैंड दे रहा होता है एक राइटिंग को, दूसरा एग्जामिनर EUR के बाद किसी को 6.5 दे रहा होता है. अच्छा, इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले राइटिंग को उठाया. अच्छा, लिस्टिंग रीडिंग तो पहले लिस्टिंग रीडिंग इनके हाथ में थी ऑलरेडी. इन्होंने राइटिंग को उठाया, IELTS का पोर्टल बनाया, IELTS को डिजिटल किया सारा. ठीक है, अब रह गया पीछे स्पीकिंग. तो स्पीकिंग जो था वो लोकल एग्जामिनर, बल्कि मेरे ख्याल में वो बेहतर था. हाँ, कि अगर बांग्लादेश में टेस्ट हो रहा है तो बांग्लादेश का लोकल एग्जामिनर जो उन बच्चों को उस आबोहवा को समझता है, कि अगर कोई बच्चा ये कहता है किसी प्रोमिनेंट लीडर का नाम लेता है, हाँ, तो उसी लीडर को पता है. हाँ जी. ठीक है, तो वो एक बेहतर था स्पीकिंग. इन्होंने क्या किया, इसको उठा के एक और स्पीकिंग इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नाम इन्होंने रखा रिमोट स्पीकिंग. अच्छा, अब रिमोट स्पीकिंग क्या है, आपके सामने लैपटॉप पड़ा होता है, वो हेडगियर आपके लगा देते हैं. ठीक है, अब स्क्रीन पे, और सामने आपके ये इसी तरह से पेन पेपर होगा, वो आपके टेबल पे पड़ा होगा. अब आपका स्पीकिंग जो है वो वन ऑन वन होगा. अच्छा, आपके डॉक्यूमेंट सारे इनविजिलेटर या जो भी इसको फैसिलिटेट कर रहा है वो चेक कर लेगा. तो इसको नाम दिया इन्होंने जी रिमोट स्पीकिंग. अब होता क्या है, रिमोट स्पीकिंग में आपका एग्जामिनर फॉरनर होगा. अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने IELTS का स्पीकिंग टेस्ट दिया रिमोट था. कहती सर उसकी इतनी प्यारी आंखें थी एग्जामिनर की, इतनी प्यारी नीली नीली आंखें थी, मैं तो उसकी आंखें ही देखती रही. मैं क्या स्पीकिंग में दफा करके डिया सोनिया आका ने तो कहना फिर हो गया भाई IELTS. हाँ, फिर तेरा स्पीकिंग हो गया. हाँ, सानू भी बिल्लियां अखां वाली लब्बे ते फेर गल है ना. अच्छा, तो इनका भी हो गया है. हाँ, मेरा भी हो गया है. तो वो मतलब जो आपका रिमोट में एग्जामिनर है, लाइक दैट एग्जामिनर कैन बी अ फॉरनर. अच्छा ठीक है, अगर आप IDP से दे रहे हैं, IDP ने अपने सेंटर्स बनाए हुए ऑस्ट्रेलिया में, कैनेडा में, वहां से वो डील कर रहे हैं. अगर आप ब्रिटिश काउंसिल से दे रहे हैं, इनका अपना सेंटर लंदन में बना हुआ है, वहां से वो डील कर रहे हैं. और ये जो एग्जामिनर्स हैं, ये फिर आपको टाइम जोन के मुताबिक ना कोई एग्जामिनर मिल जाता है. अच्छा असद, ऐसे भी पॉसिबल है कि जैसे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो नीली आंखों वाला आए एग्जामिनर, और पता लगे जी के कोई जैसे हम जैसा ही है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान से है, या फिर इंडिया से है, या फिर मतलब हम लोगों जैसा ही. जो उनके पास एग्जामिनर्स हैं उसमें लोकल भी है, लेकिन एक IELTS जो ना बड़े लेवल पे फैल चुका है. अब IELTS जो है समझे कि उनका बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, कि जहाँ पे स्पीकिंग का टेस्ट हो रहा है, उसमें कोई 500 एग्जामिनर बैठे होंगे जो पूरी दुनिया में स्पीकिंग का टेस्ट ले रहे हैं. अब उसमें सिर्फ ये नहीं है नेटिव है, उसमें नॉन नेटिव भी है. अब वो एक स्टूडेंट था मेरा, उसका IELTS का एग्जाम हुआ तो एग्जामिनर डच था. अच्छा, अब जो डच लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं. हाँ जी. जो जर्मन की लैंग्वेज का हाँ जी. है, तो अब डच जो है वो इंग्लिश का टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता हाँ है. ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फॉरनर इंग्लिश का नेटिव स्पीकर ही हो. अच्छा, दूसरा इसके अगेंस्ट क्या है हमारे पास, उसको कहते हैं फिजिकल स्पीकिंग. अब होता ये है, ये आपको ना एक स्केड्यूल देते हैं कि आप इसमें से चूज कर लें कि आपने फिजिकल देना है स्पीकिंग या आपने रिमोट देना है. है, अब आप चूज करते हैं फिजिकल को, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ फिजिकल को, कि एग्जामिनर एक बंदे का बच्चा मतलब सॉरी इंसान आपके सामने बैठा हुआ है. ठीक है, और वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहां आपका कंफर्ट लेवल बेहतर होगा, आपको फीडबैक मिलेगा. हाँ जी. आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से और ज्यादा बेहतर बात कर पाएंगे. ऑनलाइन तो ये होता है कि आपका टेस्ट चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है. अच्छा, उसमें क्या करते हैं, क्यू कार्ड भी स्क्रीन पे दिखाते हैं. अच्छा, वो तो फिर और समझ नहीं आएगी. हाँ, नहीं समझ आ जाती है, स्क्रीन पे बड़ा क्लियर लिखा होता. अच्छा. है, आपको सामने क्यू कार्ड नजर आ रहा है और हाँ, स्क्रीन पे ही रहता है जब तक आप बोल रहे हैं. लेकिन अब उसमें ये होता है कि बात करता कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं रहते. अक्सर स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन किया जी वो हेडफोन ठीक नहीं था, मेरी आवाज उनको नहीं जा रही थी, या उनकी आवाज. जब क्वेश्चन में ना क्या होता है, एक की वर्ड होता है, अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट डू यू मोस्टली डू इन योर फ्री टाइम,
अब अगर वो फ्री टाइम का वर्ड ग्लिच में चला गया, मैं एग्जैक्टली इसी पे आने लगी थी, क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ना बाज़ दफ़ा क्योंकि ऑनलाइन है ना, और हमारे यहाँ या कहीं पे भी आप नेट इस तरीके से होता है, बाज़ दफ़ा कहीं ना कहीं उसके कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा हाँ जी वो आवाज़ तो में ग्लिच आ जाता है, फिर उसका क्या करें, बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती, इस वजह से समझ नहीं आया कि आप एग्जामिनर से कहीं वो क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं और उसके बाद हो जाता है वो ठीक। मैंने दो तरह से है, मैंने देखा है कि फिजिकल एग्जाम में स्टूडेंट्स का स्पीकिंग का टेस्ट रिजल्ट अच्छा है, अच्छा। और जो रिमोट है उसमें भी अगर आपको एग्जामिनर अच्छा मिल गया, मतलब स्पीकिंग और राइटिंग में गेम खत्म होती है एग्जामिनर, अच्छा। अगर आपको राइटिंग में एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर मिल गया उसने आपको अच्छा बैंड देना है, और अगर आपको राइटिंग में कोई ऐसा एग्जामिनर मिल गया जिसका माइंडसेट चल रहा है कि मैं 5 ही दूं, तो वो फिर आपको, मैंने कई 5 बैंड्स को स्पीकिंग में 7 होते हुए देखा है, अच्छा। मैंने कई 6 बैंड्स को राइटिंग में 7 होते हुए देखा है, ठीक है। तो 6 बैंड देने वाला भी एग्जामिनर है, 7 देने वाला भी एग्जामिनर है, एक सेम राइटिंग है, एक एग्जामिनर कह रहा है ये 6 वाली है, एक कह रहा है ये 7 वाली है, ठीक है। तो ये इतना सा जो फर्क है ये हो सकता है। अच्छा, एक और अंदर की बात बताता हूँ, मैंने सुना है कि आईएलएस राइटिंग में और स्पीकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, अच्छा। हाँ, ये काइंडा गुड न्यूज भी है, लेकिन बैड न्यूज तो नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ अगर इस तरह आएगी, क्योंकि राइटिंग जब आप करते हैं ना, हर बंदे का अपना तरीका होता है लिखने का, इससे ये होगा कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी ना तो दैट्स नॉट ह्यूमन। एक दफा समझ में आ जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू चीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखें हमारे पास पीटीई का टेस्ट है, अच्छा पीटीई में उन्होंने क्या किया है, पहले ये होता था कि एक टेम्पलेट है वो चल रहा है, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि अगर 10 बच्चों का ऐसे स्टाइल एक ही जैसा है ना, उनको समझ आ जाती है कि ये इसने टेम्पलेट यूज किया, वो फिर एक बच्चे को तो अच्छा बैंड मिल जाएगा, बाकी 9 का बैंड गिर जाएगा, स्कोर गिर जाएगा। तो इसी तरह से अभी ये सिर्फ मैं मतलब क्योंकि पता है क्या अंदाजे से बता रहे हैं कि पॉसिबल है ये होना, एग्जामिनर टू एग्जामिनर राइटिंग और स्पीकिंग के बैंड में फ्लक्चुएशन काफी है, वेरिएशन काफी है, अच्छा ठीक है। तो उस वेरिएशन को कवर करने के लिए टेस्ट रन पे ये लोग कंप्यूटर डिलीवर्ड पे लाइक मैंने सिर्फ सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, तो जिस दिन ये कंफर्म हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा बंदे को समझ आ जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से चीट करना है। लेकिन वो भी पागल नहीं है, आईएलटीएस एक स्टैंडर्ड का टेस्ट है, वो इस तरह से नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक फिजिकल भी बेहतर है, लेकिन पहले पता है क्या होता है भास्कर, आपके हाथ में नहीं होता, हाँ जी। आपने बुक किया होता है फिजिकल स्पीकिंग टेस्ट, वहां जाते हैं तो आप कहते हैं कि कितने मेरी वोटी, अगे उन्होंने बंदर बिठाया होता है, मतलब ये कि स्क्रीन आपके सामने होती है और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी तरह भी करवा सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते मैं उस पे कंफर्टेबल हूं, मैं इस पे कंफर्टेबल हूं, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि दीवे नु फूंक गुस्से ना मारनी है, प्यार नाल मारनी है, ठीक है, क्योंकि दीवे नु फूंक के मारनी है, जिन लोगों ने अंग्रेज देखी है उससे फ्यूचर, उससे फ्यूचर चेंज नहीं होना, बस फूंक ही मारनी है। हां बस फूंक ही। ओके, सो वैसे माशाल्लाह से अच्छी चीज़ ये है कि शुमाइला जब भी मेरे चैनल पे आती हैं तो रौनक लग जाती है और कहके जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं और तंजो मजा वाली बातें आ जाती हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, एंड पे मैं ये कहूँगा कि आपका स्पीकिंग चाहे रिमोट है चाहे आपका फिजिकल है, डोंट वरी, ठीक है। मेरी वीडियोस देखें, जो पैटर्न मैंने बताया है उस पैटर्न पे रहते हुए आंसर दें, हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। अगर वो फिजिकल है या रिमोट है, क्वेश्चन समझ नहीं आया, एग्जामिनर से कहें क्वेश्चन रिपीट करें, वो रिपीट करेंगे, आप उसका आंसर दें, कॉन्फिडेंटली बोलें, अगर आप अच्छा बोलेंगे। मैंने फिजिकल स्पीकिंग में भी लोगों को 5 बैंड लेते हुए देखा है और रिमोट में भी 8 बैंड लेते हुए देखा है, और मैंने रिमोट में 5 बैंड लेते हुए देखा है और फिजिकल में 8 बैंड लेते हुए देखा है। तो इट्स योर स्पीकिंग इवेंचुअली, ठीक है। मैं मानता हूँ कंफर्ट लेवल आपका एक फिजिकल एग्जामिनर के साथ सही है, कुछ लोगों का कंफर्ट लेवल लैपटॉप के साथ सही है, कोई बंदा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करेगा, तो दोनों तरह से ठीक है, जो भी हो, मतलब तुसी वसना ते है ना, मतलब आइट्स तो करना है ना आपने, ठीक है। वैसे असद मैं ये भी सोच रही थी, जिस तरह लोगों को वीडियो कॉल्स की आदत है काफी ना, अब ये चीज बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉसिबल है आगे चल के आप लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल स्क्रीन लगे। हाँ बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हम तू वीडियो कॉल मिलांदी, हम सारे ते नहीं मिलांदे ना, अपने ही तजर्बा हर जगह दसिया नहीं नहीं, मैं सही बता रही हूं, ज्यादातर आप बताएं, बाकी ऐसा है भी क्या? मैं तो वीडियो कॉल नहीं मिलाता। नहीं नहीं, आपको नहीं। हाँ, मैं थोड़ी जाल च नहीं फंसना। चले जी, अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन आईएल्स की क्लासेस देते हैं, इन कैंपस लाहौर में आईएल्स की क्लासेस देते हैं, आईएल्स की टेस्ट बुकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान में, कहीं भी आप टेस्ट बुक करवाना चाहें हम आपका टेस्ट बुक करेंगे, राइटिंग करेक्शन सर्विस, पीटी क्लासेस हैं, इनमें से कोई भी सर्विस लेना चाहें हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
اسد یعقوب کو اور شمائلہ نجم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. خدا حافظ.